हॉट एयर बलून। तो दोस्तों कल का प्लान पक्का है ना? हाँ एकदम पक्का, लेकिन मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है, हम हॉट एयर बलून के बास्केट के अंदर होंगे और वो बास्केट बहुत बड़ी होती है चुन्नू, तुम लास्ट मिनट पे कैंसिल मत करना। नहीं करूँगा। तो फिर डिसाइड हो गया, हम सब कल हॉट एयर बलून की राइड पर जाएंगे। ये चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों। तो ये है प्लान, कल हॉट एयर बलून की राइड तो होगी लेकिन हमारी। बस क्या आप इन्हें राइड नहीं करने दोगे? नहीं, लेकिन क्यों बॉस, अब अंकुश ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे रहते हुए वो खुश कैसे रह सकता है? अरे वांकुश, ये उड़ने का प्लान कब बना लिया? स्कूल में पता चला कि वनीपुरा के पास वाले छोटे पहाड़ पे हॉट एयर बलून की राइड हो रही है, तो हम सब दोस्तों ने डिसाइड कर लिया। वाह मजा आएगा। अंकुश हम आ गए। जल्दी चलो अंकुश। मैं रेडी हूँ दोस्तों। चलो चले। yes! अरे वो देखो हॉट एयर बलून उड़ने लगे, जल्दी चलो। ये अरे अंकुश, लगता है तुम लेट हो गए। लेट? रंगा अभी दो बलून्स बचे हैं। हाँ, और उसमें से एक तो मैं लूंगा, लेकिन क्या पता बचा हुआ आखिरी बलून पंचर हो गया हो तो। अंकुश तुम रंगा की बात पर ध्यान मत दो और जल्दी से टिकट खरीदो। हाँ सही कहा तुमने रेनू। अंकल चार टिकट दे दो। अरे ये कैसे हुआ? क्या हुआ अंकल? मेरे बलून की कैनोपी फट गई है। क्या? पता नहीं ये कैसे हुआ। सॉरी बच्चों, लेकिन ऐसे हालात में ऊपर जाना खतरनाक हो सकता है, तुम कल आ जाना। क्या? लेकिन ये कपड़ा अभी कैसे फटा? अरे रे क्या हुआ अंकुश, बलून पंचर हो गया। इसका मतलब ये सब रंगा ने किया है। रंगा कितना बुरा है, इसने हमारे सारे प्लान का मजा किरकिरा कर दिया। इससे तो मैं अभी सबक सिखा के आता हूँ। नहीं बजरंगी, ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। रंगा को मजा चखाने का मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ये तुम किससे बात कर रहे हो अंकुश, और कैसा आइडिया? दोस्तों हम अपनी खुद की राइड बनाएंगे। वो कैसे? साइंस की क्लास में हीलियम गैस के बारे में सुना था ना, आओ मेरे साथ। सैटेलाइट बाबा मैं आ गया। अंकुश आ गए तुम, आओ आओ। जैसा तुमने फोन पे कहा था वैसा ही गैस सिलेंडर मेरे पास है, ये रहा हीलियम गैस सिलेंडर। थैंक यू अंकल। अब आगे क्या? ये लो। रुको रुको दोस्तों, हमें पहले कैलकुलेट करना होगा कि कितने बलून्स फुलाने हैं। क्यों? अगर 10 ग्राम की चीज उठाने के लिए एक बलून लगता है तो बस को उठाने के लिए। लेकिन एक मिनट, इस बस का वजन कितना होगा? वो तुम मुझ पे छोड़ दो सलीम। हाँ? अंकुश ये तो 1000 किलो की है। सलीम मुझे लगता है ये बस 1000 किलो की है, तो कितने बलून्स लगेंगे? तुम्हें इस बस का वजन कैसे पता अंकुश? कुछ चीजें मैं जानता हूँ सलीम, मुझे लगता है हमें 200 बड़े बलून्स लगेंगे।
एक्सपेरिमेंट तो कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों, हम नीचे कैसे उतरेंगे? उसकी मदद से चुनू। अब चलो रंगा को दिखाते हैं। बस उस बेचारे अंकुश और उसके दोस्तों का भी बुरा हुआ। हाँ, इसलिए तो मजा आ रहा है। बस कुछ और करते हैं, और मजा आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं सब प्लान बना के आया हूँ, ये देखो। बस आप यह सब्जियाँ पकाएंगे? चुप करा, हम इस हॉट एयर बलून की फायर पर बारबेक्यू करेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं, हमने पैसे दिए हैं। पैसे राइड के दिए हैं, बारबेक्यू के नहीं। वैसे भी तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। सिर्फ 5 मिनट? 30 मिनट की राइड के पैसे दिए हैं, क्या तुम्हें दिन भर घुमाऊं? तुम्हें पता नहीं, मैं तोताराम जी का बेटा हूँ, तोताराम जी का। अरे तुम तोता के बेटे हो या कबूतर के? अगर दिन भर उड़ना है तो अपनी खुद की राइड बना लो, वो वैसे। बस वो देखो, अंकुश बस में उड़ रहा है। अंकुश ने बस को कैसे उड़ाया? बॉस, वो हीलियम बलून्स दिख नहीं रहे आपको? थोड़ा क्लास में ध्यान देते तो समझ आता। चुप करो तुम दोनों। क्यों रंगा, तुम्हें लगा हम उड़ नहीं सकते? ये हमारी खुद की राइड है, अब जितना मन चाहे उतना उड़ेंगे। तुम्हारा तो टाइम अप हो गया होगा ना रंगा? अंकुश के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ के तो दिखाओ। चलो 5 मिनट खत्म हो गया, अब हमें नीचे उतरना है। अब तो पहले अंकुश और उसकी बस नीचे उतारेंगे। वो कैसे बॉस? ऐसे। अरे ये खतरनाक हो सकता है, तुम अजीब जिद्दी बच्चे हो। रंगा, हम गिर जाएंगे। रंगा तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। अरे हम गिर रहे हैं, क्या करेंगे? अंकुश कुछ करो। हाँ, चिंता मत करो अंकुश, मेरे होते हुए ये बस कभी नहीं गिर सकती। घबराओ मत दोस्तों, मैंने बीच वाला बलून इतना बड़ा फुगाया है कि वो अकेला भी हमें उड़ा सकता है। ये एक बलून ने बस को कैसे पकड़ के रखा है? पता नहीं बॉस, शायद इसमें भी अंकुश का कुछ साइंस हो। मैं इसके साइंस को फेल कर दूंगा। बजरंगी वहाँ देखो। हाँ? ये रंगा ने अब हद पार कर दी। ये एक गुब्बारा इतना वजन कैसे संभाल रहा है? तुम बहुत ही बदतमीज लड़के हो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं नीचे उतर रहा हूँ। आजा मेरे नाल। चलो यहाँ से जल्दी। हाँ, है?
रंगा, तुम्हें उड़ने का बहुत शौक है ना?